अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 14 अगस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के जून के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, रिसेंटली इनका जून क्वार्टरली का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल 13 अगस्त को इनका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट और इंटरिम जो डिविडेंड है उसकी अनाउंसमेंट की गई है कल की डेट में। तो अभी आप देख सकते हैं 525 पर ये ट्रेड कर रहा है और एक महीने का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 0.66% का रिटर्न दिया है, यानी कि जहाँ पर था वहीं पर है अभी भी। वहीं एक साल का अगर ग्राफ देखेंगे 31% का इसने रिटर्न दिया है। तो ठीक ठाक रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को दिया है एक साल में। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सन टीवी नेटवर्क, जैसा कि कंपनी का जो प्रोफाइल है, ये टेलीविज़न चैनल का एक ग्रुप है और रीजनल लैंग्वेज में ये अवेलेबल है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में ये चैनल चलता है और रीजनल लैंग्वेज में। तो ये है कुछ इस तरीके से वेबसाइट इनकी दिखती है। आप देख सकते हैं कि रीजनल चैनल चैनल है ये। तो क्वार्टरली रिजल्ट एक बार, सबसे पहले वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं इनका। सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो -15.97 है, वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का 13.58 है। वहीं सेक्टर का पीबी रेशियो 5.60 है, वहीं इस कंपनी का जो पीबी रेशियो प्राइस टू बुक रेशियो वो 3.61 है, जो कि एंटर सेक्टर है। और इनका क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर डॉट इन हम क्वार्टर सेट कर रहे हैं। इस पर अभी आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू अगर हम मार्च से कंपेयर करें तो 803 करोड़ रुपीज़ का जो रेवेन्यू था इनका, वो जून क्वार्टर में बढ़कर 819 करोड़ रुपीज़ हो गया। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 551 करोड़ से घटकर 487 करोड़ रुपीज़ हो गया जून क्वार्टर में। वहीं अगर हम इनका नेट प्रॉफिट की बात करें तो 487 करोड़ रुपये का जो इनका नेट प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर में, वो घटकर 365 करोड़ रुपीज़ हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू ज़रूर बढ़ा है लेकिन साथ ही साथ इनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में कमी आई है। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में 487 करोड़ रुपये का जो नेट प्रॉफिट था इनका मार्च क्वार्टर में, वो जून क्वार्टर में घट के 365 करोड़ रुपीज़ हो गया। तो इस तरीके से आप देख के कह सकते हैं कि रिज़ल्ट उतना कुछ खास नहीं आया है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी की टेक्निकल रेटिंग की, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल टेक्निकल रेटिंग अभी भी शो नहीं कर रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। वहीं अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 100% लोग इसे खरीदने की नसीहत दे रहे हैं, 0% लोग इसे बेचने की नसीहत दे रहे हैं और 0% ही इसे होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं, यानी सभी लोग इसे खरीदने की नसीहत दे रहे हैं। वहीं अगर ब्रोकर रिसर्च की बात की जाए तो ICICIdirect.com, जो कि ब्रोकर फर्म है, इसने 12 जून 2021 को रिकॉर्डेड प्राइस 530 पर टारगेट दिया था 525 का, यानी कि एक तरह से इन्होंने शॉर्ट का जो पोजीशन है, सेल करने का पोजीशन है, वो टारगेट दिया था सेल करने के लिए। वहीं अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी सही है, कंपनी ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं है। रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करें तो एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है इस कंपनी ने रिसेंटली। डिविडेंड की बात करें अगर, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा है कंपनी देती है। वहीं एंट्री पॉइंट के लिहाज से इसमें कोई भी रेड फ्लैग अभी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है, वहीं म्यूचुअल फंड के पास 3.62% की होल्डिंग है, DIIs के पास 0% की होल्डिंग है, वहीं FIIs के पास 7.73% की होल्डिंग है। वहीं अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 13.64% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो ये थी मेरी वीडियो सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट पर। वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।